हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वेव, सक्सेस मेड इजी। एमएससी बॉटनी क्लासेस में आपका स्वागत है। ड्यू और बीएचयू सिलेबस हम इसमें कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फ्यूफाइसी के फीचर्स और जितना भी हमारे जो इसके एग्जांपल्स है, जैसे फ्यूकस, सार्गेजम और भी क्या है इसमें, एक्टोकार्पस। ये जो तीन चीज़ें हैं जो ड्यू और बीएचयू का मिला के मैंने बताया है, इन तीनों चीज़ों के बारे में जो इनके वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जिनमें से बेसिक हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी। तो फियोफाइसी का जो फीचर है, सबसे पहला जो फियोफाइसी है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो दे आर मोस्टली मैरीन। ठीक है, मोस्टली मैरीन, हमेशा सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। नाउ अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि पूछे गए हैं, जैसे कि फ्यूकस इसका एग्जांपल है। ये क्या होता है, इसको हम रॉक वीड भी बोलते हैं, बिकॉज इट ग्रोज ऑन रॉक्स। ठीक है, तो रॉक वीड बोलते हैं। सार्गेजम को सी वीड बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे ग्रो होता है, सी वीड बोलते हैं क्योंकि ये सी में ग्रो होता है। पेलवेशिया, पेलवेशिया को हम शन वाटर बोलते हैं। तो इनके नाम जो हैं वो पूछे जाते हैं। एक और है, उसको बोलते हैं पोस्टेल्शिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टेल्शिया को सी पाम बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक और इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम जैसे कि हम इनको ऑर्डर्स में बांटा गया है, तो हम बोलते हैं इसको लेमिनरेल्स, जिसको हम केल्प भी बोलते हैं। ठीक है, ये ब्राउन एल्गे ही, ये ब्राउन एल्गे के ही ऑर्डर्स में हैं। तो इनके अंदर एक है जो एल्गे है, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोसिस्टिक, मैक्रोसिस्टस पायरीफेरा। ये जो हमारा ये एल्गे है, इट इज़ द लार्जेस्ट नोन एल्गे। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में आता है ये लार्जेस्ट नोन एल्गे कौन सा होता है, तो ब्राउन एल्गे इसके अंदर का एग्जाम्पल है। तो वो कौन है, इट इज़ अ ब्राउन एल्गे। ठीक है, तो लेमिनरेल्स में आता है, लार्जेस्ट नोन एल्गी है ये। ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। अब देखिए बेसिक फीचर्स इसके, जैसे कि पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में फ्यूकस, जैसे मैंने आपको बताया फ्यूफाइसी का एक एग्जाम्पल है फ्यूकस। तो फ्यूको से फ्यूकोजेंथिन, याद रखिएगा फ्यूफाइसी का ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पिगमेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है। क्लोरोफिल ए होता है, बी नहीं होता, सी होता है इसमें। ठीक है, बीटा कैरोटीन होता है, ये इसके पिगमेंट्स हैं। और क्या है, इनकी सेल वॉल अगर हम देखें, तो सेल वॉल जो होती है ना इनकी, जो हमारी जो बेसिकली हमारी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है, बट उसके अंदर जो जो उसकी सेल वॉल है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, वो ना बेसिकली स्टिफेंड होती है। उसको स्टिफेंड किया जाता है बाय कैल्शियम एल्गिनेट। ठीक है, बाय कैल्शियम एल्गिनेट, और इसके साथ साथ अलोंग विद फिर से फ्यूकोडेंस, फ्यूकोडेंस। तो ये याद रखिएगा, एल्गिनेट्स और फ्यूकोडेंस हमेशा ब्राउन एल्गीज में प्रेजेंट होते हैं, उनकी सेल वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा सेल वॉल ख़त्म। अब रिजर्व फूड मटेरियल क्या है इसका, रिजर्व फूड मटेरियल। तो मैंने ऐसे लर्न किया है कि जैसे कि जो फियोफाइसी है, मैंने अभी आपको बताया लैमिनरेल्स इनका वो है, एक ऑर्डर है, तो लैमिनरिन, ठीक है, लैमिनरिन्स इनका एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो इसको याद रखिएगा, जैसे क्रीजो लैमिनरिन होता है एक, जो कि ज़ैंथोफाइसीज का होता है, तो क्रीजो वर्ड नहीं आएगा, फियोफाइसीज ब्राउन एल्गी है तो लैमिनरिन आएगा, क्योंकि लैमिनरेल्स मैंने आपको बताया इनके ऑर्डर्स में आता है। लैमिनरेल्स में कौन कौन आता है, फ्यूकस आ जाता है, सार्गेजम आ जाता है, ये सारे के सारे जो भी रैक्स में आते हैं वो सारे आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा ख़त्म। अब देखिए, जो हमने यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल कर लिया, पिगमेंट कर लिया, तो जितने भी बेसिक्स थे वो हमने इसमें कवर कर लिए हैं। अब इनकी ग्रोथ के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपको ग्रोथ बताऊँ ब्राउन एल्गीज की, तो वो किसकी वजह से होती है, वो होती है
एपिकल सेल एक्टिविटी की वजह से, एपिकल सेल एक्टिविटी। और किस में देखी गई थी एपिकल सेल एक्टिविटी? हमने ग्रीन एल्गीज क्लोरोफाइसी के किसी एक एग्जाम्पल में देखी गई थी। वो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में दीजिए, ठीक है, कि एपिकल सेल एक्टिविटीज़ जो थी वो किसी ग्रीन एल्गे के जो हमारे जितनी भी स्पीशीज थी उनमें भी देखी गई थी, वो उनमें से जिनमें भी देखी गई थी उनका आप आंसर कर दीजिए कमेंट्स में, ये क्वेश्चन है। तो अब फियोफाइसी के फीचर्स में ग्रोथ कैसे देखी जा रही है एपिकल सेल एक्टिविटीज़ में, और क्या होता है इनमें? डिपोजिशन देखी जाती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स की, ठीक है, और जिसकी वजह से, क्योंकि सेकेंडरी कॉर्टेक्स की डिपोजिशन होती है, उसके रिजल्ट से क्या होता है, रिंग्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी रिंग्स की? एपिकल रिंग्स की, रिंग्स की। सेकेंडरी कॉर्टेक्स ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिंग्स की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। एंड रिंग्स आर विजिबल इन टाइप ऑफ लैमिनरिन, जैसे ऐसे ऐसे करके जो उनकी टाइप्स होती हैं उनमें विजिबल होता है ये लैमिनरिन्स के, ठीक है। अब देखते हैं एक्टोकार्पस जो है हमारा, उसका एक बेसिक फीचर देखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आता है कि हमारे जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पायरेनॉइड्स होते हैं, ठीक है, पायरेनॉइड्स थे हमारे किस में प्रेजेंट थे? क्लेमाइडोमोनास में देखा था हमने, और उनके अंदर रिबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब ये जो पायरेनॉइड्स होते हैं वो एक्टोकार्पस के अंदर, ठीक है, पुअरली डेवलप्ड होते हैं, पुअरली डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, किस में? पुअरली डेवलप्ड इन फ्यूकेल्स, ठीक है, एंड कॉमनली सीन इन एक्टोकार्पस, ठीक है। तो ये जो पायरेनॉइड्स हैं हमारे वो बिल्कुल अच्छे से डेवलप नहीं होते, किस में? हमारे फ्यूकेल्स में। जैसे कि यहाँ फ्यूकस में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो फ्यूकस और सार्गेजम, फ्यूकेल्स में कौन आ जाते हैं? ये जो ऑर्डर है फ्यूकेल्स, उसमें आ जाती हैं दो चीज़ें, फ्यूकस और सार्गेजम। और जो हमारा एक्टोकार्पस है वो किसका, किस ऑर्डर में आता है? एक्टोकार्पल्स में, ठीक है, कार्पेल्स में, तो एल्स। तो इसमें एक्टोकार्पस में तो सीन होता है, कॉमनली सीन होता है, बट फ्यूकेल्स में ये पुअरली डेवलप्ड होता है। तो मैंने इसी पेज पे बता दिया, कन्फ्यूजन ना हो, कि एक्टोकार्पस में देखने को मिलता है बट फ्यूकेल्स में, जितने भी फ्यूकेल्स में आने वाले, जैसे ये है फ्यूकस और जो नेक्स्ट है सार्गेजम, इन दोनों में पुअरली डेवलप्ड होता है। तो ये क्वेश्चन आता है। और क्या क्या है, जैसे कि हमारे जो एक्टोकार्पस है, अब मैं आपको पूरा एक्टोकार्पस का एक बार दिखा देती हूँ, पूरा समझा देती हूँ कि इसके अंदर होता क्या क्या है, ठीक है। तो एक्टोकार्पस के अंदर ये पुअरली डेवलप्ड है, और क्या क्या है, जो ब्राउन एल्गीज हैं जो सोर्सेज होते हैं ये बाद में पढ़ेंगे। एक्टोकार्पस के पास जो हमारा बेसिकली होता है, इनके पास जो थैलस होता है ना उसके ऊपर स्पोरांजिया होता है, ठीक है। जितनी भी जो ब्राउन एल्गीज है, हमेशा याद रखना वो डिप्लॉइड हैं, ठीक है, स्पोरोफिटिक हैं, और उनकी जो जनरेशन भी है ना, जो उनकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं ये सारे के सारे। तो कैसे, अब देख लेते हैं। एक्टोकार्पस के अंदर एक होता है यूनिलॉक्यूलर स्पोरांजिया, यूनिलॉक्यूलर स्पोरांजिया देखने को मिलता है। उसके अंदर क्या होता है, जिसको हम मियोस्पोरांजियम भी बोलते हैं, मियोस्पोरांजियम, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एक ये जो पूरा का पूरा जो स्पोरांजिया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये जो यूनिलॉक्यूलर स्पोरांजिया है, ये एक तरीके का स्पोरांजियम है। हम स्पोरांजियम के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये पूरा का पूरा एक्टोकार्पस बनाया मान लीजिए, तो ये जो पूरा फिलामेंट है, या फिर इसकी जो ये फिलामेंट है, यहाँ पे वो जो स्पोरांजियम जो डेवलप होते हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो पहला है यूनिलॉक्यूलर स्पोरांजिया, जिसको हम बोलते हैं मियोस्पोरांजियम भी। अब इसमें यूनिलॉक्यूलर में क्या होता है, इट प्रोड्यूस ऑन स्पोरोफाइट, हमेशा किस पे प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस ऑन स्पोरोफाइट, किसी स्पोरोफाइट पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट मियोटिकली एंड देन माइटोटिकली, तो सबसे पहले अगर इसकी डेवलपमेंट होनी है, इस पूरे स्पोरांजियम को बनना है, तो जो न्यूक्लियस होगा
पहले इसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगी, मतलब कि पहले ये एन एन, फिर से एन एन, तो फिर और अब इनमें माइटोटिक डिवीजन होगी, ठीक है, जो इक्वल डिवीजन होती है। तो पहले कैसी हुई डिवीजन? मियोटिकली, और फिर बाद में मियोटिकली टिकली फर्स्ट होती है डिवीजन, और लेटर माइटोटिकली, ठीक है। और इस वाले स्पोरेंजियम में क्या होता है हमारा, बायफ्लैजुलेट, जो हमारा बायफ्लैजुलेट क्या है, सॉरी, बायफ्लैजुलेट ज़ू स्पोर्स देखने को मिलते हैं। बायफ्लैजुलेट ज़ू स्पोर्स आर प्रोड्यूस विच गिव राइज टू, प्रोड्यूस होते हैं एंड विच लेटर गिव राइज टू हैप्लॉइड प्लांट। तो बेसिकली ऐसा बोल रहा है ये कि क्या है कि ये एक स्पोरेंजियम है जो कि किस पे, एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर होगा। कैसे हुआ? पहले मियोसिस हुआ, फिर माइटोटिकली डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से ये फॉर्म हुआ। और ये क्या फॉर्म करता है, जैसे जब डिवीजन होगा तो बायफ्लैजुलेट ज़ू स्पोर्स बनेंगे जब ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी पे, और जब ज़ू स्पोर्स मतलब बनेंगे बायफ्लैजुलेटेड ज़ू स्पोर्स, वो आगे चल के एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये हमेशा लो टेम्परेचर पे होते हैं, लो टेम्परेचर पे। ये तो हो गया यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया। अब मैं आपको स्पेस नहीं है तो मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। तो अब है हमारा नेक्स्ट वाला, यहाँ से पढ़ लेते हैं इतने हिस्से में, प्लूरी लॉक्युलर स्पोरेंजिया। प्लूरी लॉक्युलर का मतलब है पेरेंट की तरह होगा ये, बिल्कुल पेरेंट लाइक फिलामेंट प्रोड्यूस करेगा। कैसा फिलामेंट प्रोड्यूस करेगा? पेरेंट लाइक, पेरेंट अगर डिप्लॉइड था इट मीन्स ये डिप्लॉइड प्रोड्यूस करेगा। यूनिलॉक्युलर में कैसा किया था उसने? हैप्लॉइड प्लांट फिलामेंट। अब देखिए ये इट प्रोड्यूस ऑन स्पोरोफाइट, ठीक है, ये भी प्रोड्यूस होगा स्पोरोफाइट पे। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ए सेक्शुअल ज़ू स्पोर प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस ऑन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट पे प्रोड्यूस होगा उसी की तरह। बट यहाँ पे ये ए सेक्शुअल ज़ू स्पोर्स बनाएगा, उसने बायफ्लैजुलेटेड ज़ू स्पोर्स बनाए थे, ठीक है। इसने ए सेक्शुअल स्पोर्स बनाए जो कि आगे चल के डिप्लॉइड फिलामेंट प्रोड्यूस करेगा, डिप्लॉइड फिलामेंट प्रोड्यूस करेगा, और उसने क्या किया था? हैप्लॉइड फिलामेंट, ठीक है। अब क्या है, जर्मिनेट करेगा जस्ट लाइक द पेरेंट प्लांट, और बिल्कुल कैसा होगा? लाइक द पेरेंट प्लांट, पेरेंट फिलामेंट की तरह बिल्कुल, और ये हाई टेम्परेचर पे होगा। तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी कि कौन सा स्पोरेंजिया वहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ से पता चल ही गया कि जो ये है एक्टोकार्प, जो एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल है वो डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हम फ्यूकस की देखते हैं, फ्यूकस में, फ्यूकेल्स में, फ्यूकस सार्गियाजम दोनों फ्यूकेल्स के हैं। अब फ्यूकस में क्या होता है, देखिए फ्यूकेल्स जितने भी हैं हमारे, एंड जो भी हमारा लेमिनरेल्स हैं, तो टोटल ना जो हमारे ऑर्डर्स हैं इसमें जितने भी फियोफाइसी में, उसमें 11 है। तो उसमें से फ्यूकेल्स, लेमिनरेल्स, मैं आपको ये दो ऑर्डर निकाल के बता रही हूँ। इन दोनों के अंदर ना एयर ब्लेडर्स देखे गए हैं, ठीक है, एयर ब्लेडर्स देखे गए हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं एयर ब्लेडर्स? ताकि उनको फ्लोट करने में ईजी हो, ठीक है। ये देखो ये रॉकवीड भी था, और भी मैंने बताया था ये कहाँ पे प्रेजेंट था, बार्क ऑफ ट्रीज पे भी प्रेजेंट होता है ये जो फ्यूकस होता है हमारा, ठीक है। तो ये जो सार्गियाजम है ये सी में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली इसको फ्लोट करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो एयर ब्लैडर्स, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमैटोसिस्ट, न्यूमैटोसिस्ट विच मेक थैलिस बायोएंट, एक्सेप्ट किसको,
पेल्वेशिया को. पेल्वेशिया किस पे था? मैंने बताया था शन वाटर, इट ग्रोज ऑन रॉक्स पे, इसलिए पेल्वेशिया को नीड नहीं है एयर ब्लैडर्स की एज इट ग्रोज ऑन रॉक्स. तो नो न्यूमैटोसिस्ट बिकॉज इट ग्रोज ऑन रॉक्स. ठीक है, इट ग्रोज ऑन रॉक्स. और क्या है जो हमारे जो हमारा फ्यूकस है, और क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, वो हैं जैसे कि इसके पास होल्ड फास्ट नहीं है. मतलब कि अगर कोई जैसे प्लांट है, इसके नीचे का होल्ड फास्ट नहीं है, और होल्ड फास्ट हमने ईडोगोनियम में जैसा कि देखा था, तो इसके पास होल्ड फास्ट नहीं है, इट लैक्स होल्ड फास्ट. ठीक है, और रिमेन एंटेंगल्ड अमंग सॉल्ट मार्श वेस्क्यूलर प्लांट्स लाइक ई कैट्स. और ये हमेशा दूसरे प्लांट्स के साथ देखा गया, एंटेंगल्ड सा होता है बिल्कुल उनके साथ ही. ठीक है, पेरेंकाइमेटस होता है, और एपिकल सेल से इसकी भी ग्रोथ देखी गई है. एपिकल सेल ग्रोथ इसकी भी देखी गई है, एपिकल सेल ग्रोथ. और इनमें कॉन्सेप्टिकल्स देखे गए हैं. ठीक है, कॉन्सेप्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है. तो कॉन्सेप्टिकल्स कंटेन देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, बट कॉन्सेप्टिकल्स एक्टोकार्पस पे नहीं देखे गए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. तो ये था हमारा फ्यूकस. फ्यूकस से बस वही आता है कि एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होना, और फ्यूकस किस पे होता है, रॉकवीड बोलते हैं इसे हम जनरली. ठीक है, अब देखते हैं सार्गेसम में. देखो सार्गेसम में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर वही एयर ब्लैडर्स का तो होता ही है. और ये भी याद रखना है कि जो हमारी सार्गेसम है, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं देखी गई है. तो देखो सबसे पहला जो इसका फीचर है वो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है, बट कोई भी विदाउट एनी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है, तो कोई ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं देखी गई इसके अंदर. कैसे नहीं देखी गई वो मैं आपको समझाती हूँ. तो पहली बात, सार्गेसम क्या है, एक सीवीड है. सबसे पहले बेसिक फीचर्स थोड़े बहुत देख लेते हैं. इसके पास एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, क्यों एयर ब्लैडर्स, क्योंकि सी में है, तो ऑब्वियसली इसको न्यूमैटोसिस्ट की ज़रूरत है बायोएनसी के लिए, फ्लोट करने के लिए. अब इनके अंदर वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जो पुराने वाला जो इनका जो पेरेंट, फॉर एग्जांपल जिनके अंदर से फ्रेगमेंट्स निकल रहे हैं, और जो पहले जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं वो डेड हो जाएंगे और फिर डिके हो जाएंगे, और उनमें से फिर जो हमारा न्यूली होगा वो अलग चला जाता है, और फिर वो अपनी फिर से जनरेशन स्टार्ट करता है. ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव हो गई. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं देखी जाती, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी देखिए कैसे होती है. तो देखिए बहुत इजी वे में मैं समझा देती हूँ. जैसे कि ये प्लांट बॉडी है जो कि क्या है, डिप्लॉइड है. अब ये क्या करता है प्लांट बॉडी, ये प्रोड्यूस करता है क्या, पहले प्रोड्यूस करेगा कॉन्सेप्टिकल्स. मैंने बताया कॉन्सेप्टिकल फ्यूकस में भी ज़रूरत है, और सेक्स ऑर्गन्स इसमें भी क्या है, कॉन्सेप्टिकल्स के ऊपर होते हैं. तो इसने सबसे पहले कॉन्सेप्टिकल्स, फीमेल कॉन्सेप्टिकल बनाया एक, ताकि उसके ऊपर उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, कॉन्सेप्टिकल. और एक बताया उसने मेल कॉन्सेप्टिकल. ठीक है, अब फीमेल कॉन्सेप्टिकल पे उसका ओगोनियम आ गया, और यहाँ एंथ्रीडियम आ गया, एंथ्रीडियम. तो अभी ये दोनों के दोनों अभी डिप्लॉयड ही हैं, याद रखिएगा. अब इनमें क्या हुई, मियोसिस, दोनों में हुई मियोसिस. ठीक है, मियोसिस हो जाने के बाद ओगोनियम ने बनाया एग, और एंथ्रीडियम के बाद मियोसिस होने के बाद उसने बनाया अपना एंथ्रोजॉइड्स. ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स. अब इन दोनों के अंदर, ये दोनों के दोनों देखो सिंगल, अब पूरी फेज में हमने ये भी देखा डिप्लॉइड, आगे भी देखना सारा कुछ डिप्लॉइड होगा, लेकिन ये एक एग और एंथ्रोजॉइड की ही फेस है, जो हैप्लॉइड फेज देखी जाती है यहाँ पे. तो अगर कभी आए कि सार्गेसम में हैप्लॉइड जो हैप्लॉइड वाला स्टेज होता है वो किस में देखने को मिलता है, तो आप लिख देना उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में. ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गई,
आगे चल के इन्होंने क्या किया, जाइगॉट फॉर्मेशन की होगी, तो ये जैसे मान लो इतना हिस्सा मेल का, ये फीमेल का, ये पूरा जाइगॉट फॉर्मेशन भी डिप्लॉयड है। और जाइगॉट ने जब जर्मिनेशन किया, तो जर्मिनेशन करने के बाद भी उसने क्या जर्मिनेट किया, एक डिप्लॉयड प्लांट बॉडी ही जनरेट कर दी। तो अगर मैं पूरा मैं इसको मिला सकती हूँ, बट स्टिल मैं आपको बताऊँगी, जर्मिनेट करने के बाद भी उसने डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बनाई, तो वही प्लांट बॉडी ये रही, फिर से वही हो गया। तो सब कुछ इसमें बस इतना हिस्सा, यहाँ से अगर मैं इतना देखूँ तो ये हिस्सा सिर्फ हैप्लॉइड था, बाकी सारा डिप्लॉयड था। इतना तो इतना हिस्सा जो डिप्लॉयड था, तो हमने उसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल दिया। तो ये थे हमारे सार्गेजम के। और एक और चीज़ जो मैंने ऐसी कहीं पढ़ी कि जब स्टराइल होते हैं कॉन्सेप्टिकल्स जब स्टराइल हों तो उनको क्या कहते हैं हम, क्रिप्टोब्लास्ट। तो इनको बोलते हैं हम क्रिप्टोब्लास्ट। थैंक यू सो मच गाइस, जितना भी था मैंने फियोफाइसिस से रिलेटेड सारा इसमें कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को।